देश में जितने भी मुद्दे या घटनाएं होती हैं, हमें न्यूज मीडिया के माध्यम से ही पता चलती हैं, और उनमें ही कुछ गिने चुने मुद्दों पर डिबेट होती है। इनमें एंकर की भूमिका अधिक होती है, तो आज हम कुछ एंकर्स की ही बात करेंगे। उनके पिछले हफ्ते की 5 डिबेट्स देखेंगे और जानेंगे उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी थे। पहले बात करेंगे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, हाईवे पर खेती किसानी में जुटे आंदोलनकारी। दूसरा, शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश। तीसरा, किसान और सरकार आमने सामने। चौथा, भारत बंद में क्या हुआ, बातचीत में क्या होगा। और पांचवा, सियासी दलों को प्रदर्शन की इजाजत क्यों नहीं। रवीश अक्सर देश में चल रहे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जानकारी भी देते हैं। इस बार वह देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे किसानी आंदोलन पर चर्चा करते दिखाई दिए और उसके बारे में उन्होंने कुछ अहम जानकारी भी दी। इस बीच सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने 106 पन्नों की एक ई बुक जारी की है, जिसमें कृषि सुधार से संबंधित तमाम दावे किए गए हैं। ऐसा लगता है कि आंकड़ों की गुलाबी खेती की गई है। 106 पन्नों के इस ई बुक में एक बात लिखी है कि मोदी सरकार 22,000 ग्रामीण हाट बनाने की दिशा में काम कर रही है, उन्हें विकसित कर रही है। 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि 585 एपीएमसी मंडियों और 22,000 ग्रामीण कृषि हाट को रूरल हाट में अपग्रेड कर ई नाम से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए पैसा मनरेगा और अन्य योजनाओं के बजट से आएगा, है ना कमाल। अब पैसे का हिसाब देखिए, 2018-19 के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिर्फ 2,000 करोड़ के फंड के गठन की बात कही थी। एक साल तक कुछ नहीं हुआ। हिसाब लगाइए तो एक मंडी के लिए 10 लाख रुपए भी नहीं होते, इतने से क्या विकास हो जाएगा। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी और देखते हैं उनके लिए कौन से मुद्दे जरूरी रहे। पहला, कृषि कानून पर कितना झुकी सरकार। दूसरा, क्या बीजेपी की मुहिम से ठंडा पड़ेगा किसान आंदोलन। तीसरा, सरकार झुकेगी या किसान मानेंगे, कब तक चलेगा किसान आंदोलन। चौथा, इतना ज्यादा राजनीतिक तनाव, कैसे होगा बंगाल का चुनाव। और पांचवा, किसानों को क्यों नहीं मना पाई मोदी सरकार। संदीप भी देश में चल रहे जरूरी मुद्दों पर डिबेट करते हैं और सरकार में बैठे नेताओं से तीखे सवाल करते हैं। हाल ही में संदीप ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इंटरव्यू लिया और उनसे किसान आंदोलन को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर सवाल किए। आप कहते हैं ये किसानों के लिए आपने गिफ्ट दी है, लंबी प्रक्रिया हुई सलाह मशवरे की, लेकिन किसान संगठन कहते हैं हमसे तो पूछा ही नहीं। आपने चर्चा की, विमर्श किया बाकी लोगों से, किसान संगठनों से, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो भी कहता है कि हमें भी नहीं बुलाया, हमसे तो बात नहीं की। देखिए, जब स्वामीनाथन साहब डिस्कस कर रहे थे, स्वामीनाथन साहब ने सबसे बातचीत की। कुल मिला के मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसान अपने घर से अगर कहीं भी अपनी फसल को बेच सकने की इच्छा रखता है, मनचाही कीमत पर बेच सकने की क्षमता अपने भीतर पैदा करना चाहता है, तो ये स्वतंत्रता किसी उसे क्यों नहीं होनी चाहिए। आप मंडियों में जाइए, एपीएमसी के तहत सरकार आपसे खरीदी करेगी, और बाहर बेचना है तो और ऊंचे दाम मिल जाएंगे। ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना नरेंद्र जी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की फ्लोर सीलिंग क्यों नहीं बना देते कि इससे नीचे जो खरीदी करने की कोशिश करेगा उसको सजा मिले। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो हर चीज के लिए कानून नहीं होता। संविधान के अंतर्गत जो अधिकार केंद्र सरकार को हैं, राज्य सरकार को हैं, उनके अंतर्गत विषयों को लेकर सरकार आवश्यक होता है तो कानून बनाती है। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिसे जनता किसान अर्थव्यवस्था कोरोना जैसे मुद्दों पर बात करते हुए देखना चाहती है। देखते हैं क्या उन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा की या नहीं। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों पर बात की। पहला, किसानों के बीच टुकड़े गैंग क्यों। दूसरा, किसानों के बहाने वोट की फसल। तीसरा, किसानों के आंदोलन का अंत कब। चौथा, किसान आंदोलन से खिलवाड़ क्यों। और पांचवा, अन्नदाताओं को कौन भड़का रहा है। गोदी मीडिया जरूरी मुद्दे अपनी डिबेट में कम ही उठाता है। इस बार उन्होंने किसान के मुद्दे पर चर्चा तो की है, लेकिन देखते हैं कि वे किसानों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या वे इसको लेकर कुछ जानकारी भी देंगे। दोस्तों, आज किसानों के आंदोलन को 15 दिन हो गए और आपको पता है, सबको पता है कि पहले दिन से अब तक मैंने अपनी लाइन नहीं बदली। मैं कभी अपनी लाइन नहीं बदलता, लेकिन ये नेता ये हर दिन हर घंटे अपनी लाइन बदलते रहते हैं।
पहले दिन कहते हैं कि हमारा किसानों के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक हम किसानों के आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि सरकार को किसानों से बात कर दी, ठीक है। अरे पहले कहा कि आंदोलन बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिक्स का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर ये तो गिरगिट की तरह दोस्तों, रंग बदलू लाइन बदलू, ये रंग बदलने वाले लोग हैं दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, किसान आंदोलन से लेकर बंगाल, हैदराबाद से लेकर यूपी की राजनीति तक, योगी आदित्यनाथ। दूसरा, बंगाल में लोकतंत्र या ठोकतंत्र, बंगाल में खेलते कमल से दीदी को खतरा, प्रस्ताव नामंजूर, कैसे होगा गतिरोध दूर, किसान साथ कहां अटकी बात। चौथा, विपक्ष लामबंद बेअसर बंद, किसानों के बंद में सियासी हुड़कंप क्यों। और पांचवा, फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर विपक्ष काम पर किसानों के कंधे से सियासी निशाना। जब से किसान अपनी मांगों को लेकर आए हैं तब से मीडिया का ध्यान भी किसानों की ओर आ गया है। अमीश ने भी अपनी डिबेट में किसानों के मुद्दे पर चर्चा तो की है, आइए देखते हैं वे क्या कह रहे हैं इस सब को लेकर। किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा, कब इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि किसान नए कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों ने आंदोलन को और मुखर बनाने की रणनीति बना ली है, जिसके तहत 14 दिसंबर को वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा। बीजेपी राजस्थान पंचायत चुनावों में जीत का हवाला देकर कह रही है कि किसानों ने उन्हें वोट दिया है, इसका मतलब किसान सरकार के साथ खड़ा है। हालांकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। आज राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये तमाम पार्टियां भी कानून वापस लेने की बात पर अड़ गई हैं। तो क्या अब कोई बीच का रास्ता बाकी नहीं रहा है क्या? आपने अब खुद ही देखा कि कौन किन मुद्दों को अपने लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और ज्यादा जानकारी पहुँचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.